सो व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं अपन एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली वाली वीडियो में मुझे लगा था एक चीज़ की कमी हो रही है, तो मैंने एक और वीडियो बना दी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि वो जो जुगाड़ लाइट थी उसको छोड़ते हैं अभी अपन। अपन ने लिए एक दूसरी स्ट्रिप लाइट, ये रही कुछ ऐसी रहेगी। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर प्लस माइनस की जगह पर तार सोल्डर हुए रखे हैं। ऐसा अपने को चाहिए, तार थोड़ा सा ही चाहिए अपने को, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। और मैंने 6 बल्ब का लिया, आप चाहे तो 9-10 बल्ब का भी ले सकते हो, जो आपको जैसा लेना। अब पर 9 वोल्ट की बैटरी हर किसी के लिए काफ़ी होती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, मैं हर चीज़ की प्राइसिंग बताता जाऊँगा। इसकी प्राइसिंग है तो आपको 5 से 10 रुपए के बीच में पड़ेगी विथ वायर। फिर इसको अलग करते हैं अपन। फिर आता है अपना एक कनेक्टर। कनेक्टर जो है ये आपको 5 रुपीज़ का पड़ेगा ऑब्वियसली, और अगर आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो हो सकता है कम पड़ जाए, पर 5 रुपीज़ मैंडेटरी पड़ता ही है। और फिर आती है अपनी बैटरी, जो कि है EW की तरफ से आने वाली हाई पावर 9 वोल्ट बैटरी फॉर ट्रांजिस्टर रेडियो। पर ट्रांजिस्टर रेडियो में कोई यूज़ नहीं करता इसको। पैनासोनिक की भी आती है, उसके ड्यूरासेल की भी आती है, पर वो काफ़ी महंगी आती हैं, 200-300 की आती हैं। ये आपको 25 रुपीज़ में देखने को मिलती है, क्योंकि ये कुछ खास कंपनी नहीं है। पर तब भी जिनका बजट थोड़ा कम रहता है वो ज़्यादातर यही लेते हैं, तो मैंने भी यही लिया। उसके बाद अपना आता है यहाँ पे टेप। ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रिक टेप चाहिए होगा अपने को। और बस अपनी आखिरी चीज़ है ये स्विच। स्विच सबसे ज़्यादा मतलब आप तार को भी वैसे चिपका करके हटा सकते हो, पर वो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया है, 5, 10 या 15 रुपये में मिल जाएगा आपको। मैंने इसे बाय किया था 15 रुपीज़ में, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे कुछ माइनस प्लस के दिख रहे होंगे। और यहाँ पास से देखें तो कुछ लिखा हुआ है RC12 जो भी है वोल्ट का। इसमें मैक्सिमम 12 वोल्ट तक वो हो सकता है, जहाँ तक यार बहुत ज़्यादा कभी हो सकता है। तो अपने को कुछ ऐसी सारी की चीज़ें चाहिए होंगी। अब अपन इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैं आपको बताऊँगा कि पॉजिटिव में नेगेटिव कैसे क्या करना है, फिर वो आप देखते जाइए। जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर रेड वायर कनेक्ट किया है इससे, जो कि अपना ये बैटरी के रेड वायर से आ रहा है। आपको इस वाले रेड वायर को इससे कनेक्ट करना है, और फिर जो लाइट का ब्लैक वाला तार होगा उसको इससे करना है। तो मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अपने को क्या करना है, तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं इसमें एक रेड वायर कनेक्ट हो गया, एक ब्लैक वायर। तो मैं दिखाता हूँ, जो ब्लैक वायर आ रहा है वो अपनी लाइट का है, देख पा रहे होंगे अपनी स्ट्रिप लाइट का ब्लैक तार यहाँ पर आ रहा है। और जो मेरी ये वाली लाइट है, मतलब मेरी बैटरी का जो तार है ये रहा, जो कि मेरी बैटरी से ऐसे जाके कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। इसका रेड तार अपने को लेना है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे इसका रेड तार यहाँ पे आया हुआ है। फिर इसका जो ब्लैक तार होगा मेरी बैटरी का, उसको स्ट्रिप के रेड तार से कनेक्ट कर देना है। सिंपली ऐसा कुछ कनेक्शन आपने को देखने को मिलेगा, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। फिर मैं बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, देख सकते हैं आप लोग बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। और अब ये जो स्विच है, ये स्विच अब मैं इसको चालू कर दूँ, और इसमें 9 वोल्ट है, ऐसा कुछ नहीं आपको करंट लग जाएगा इसमें, आपको करंट लग ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे दबाया इसे तो लाइट जल गई, देखो बंद करूँगा, बंद हो गई, दबाया चालू हो गई। तो अपन ना कनेक्शन देख ही लिया होगा आपने स्विच का, कैसे क्या अपन ने किया है। तो अपन मैं आपकी आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो, तो मतलब जो अपन साइकिल पे लगाएंगे वो क्या ही करूँगा यार दिखा के सबको, आप अपने हिसाब से स्टाइल में लगाना, मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कि मैंने अपनी साइकिल में कैसी लगाई है ये लाइट, और मैंने स्विच कैसे लगाया है, और बैटरी कैसे लगाई है। तो लेट्स गो। और आप ये याद रखना कि आप बिल्कुल डरिएगा मत कि यहाँ पे आप अगर छू लो तो करंट लग जाए, यहाँ छू लो तो करंट लग जाए। आप लोग जैसे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जस्ट अभी तार बांध दिए हैं, मैं इनको अभी सोल्डर कर दूंगा इससे। जैसे मैंने ये स्ट्रिप लाइट में सोल्डर किया हुए तार, वैसे इसमें सोल्डर हो जाएंगे यहाँ पे, काफ़ी ईजिली सोल्डर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आप दुकान से करवा लाइएगा, और नहीं तो या फिर ग्लू गन से भी हो जाएगा। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। गाइस तो मैं आ चुका हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा था, मैं आपको उसका पूरा कनेक्शन दिखा दूंगा, हैंडल बार पे मैंने कैसे किया है, और मैं दिखाऊंगा कि लाइट मतलब दिख कैसे रही है सामने से, और ऑन ऑफ करके भी सब कुछ दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं। तो सिंपली आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे टेपिंग से काफ़ी सारा काम हुआ है, और ब्लैक टेप से किया है मैंने, जैसे इसलिए ब्लैक टेप के कारण पूरा ढक जाता है, देख ही पा रहे होंगे, और सामने समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है हाँ भाई कुछ ब्लैक ऐसा कुछ लगा हुआ है, मतलब उतना कुछ गंदा दिखता नहीं है।
सिंपली आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है मैंने जो ये मेरी स्ट्रिप और ये मेरी साइकिल वाली ये जो लगी हुई है, इससे मैंने कनेक्शन किया है, सोल्डर कर दिए थे तार। और दिस इज सिंपली बैटरी लगी पा रहे होंगे आप सभी लोग यहाँ पे बैटरी, और यहाँ पे उसका सॉकेट लगा हुआ है, क्योंकि अब मैंने इसको भी इससे टेप कनेक्ट कर दिया क्योंकि अब मेरे को सॉकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं भाई, क्योंकि स्विच बना दिया मैंने। और देख पा रहे होंगे स्विच ये रहा यहाँ पे, ये देखिए स्विच ऐसा दिखता है, ठीक है। मैंने साइड से निकाल के रखा है इसको, ओके साइड चल रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। और दूसरे से स्विच बंद चालू, ठीक है, ये अच्छा खासा स्विच है, अच्छी टाइट तरीके से बन चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए सर सब देखिए, यहाँ पे जो अपना स्विच है, मैं अब इसे चालू करता हूँ, देखो चालू हो गई लाइट, बंद कर दिया। अब मैं इसे बंद करता हूँ, सिंपली बंद हो गई। और आपको किसी को फ्लैशिंग करनी है, फॉर एग्जांपल सामने से कोई कार या बाइक आ रही है, ज़्यादा अपनी कार्स में ऑप्शन होता है कि फ्लैशिंग करना राइट हो, तो इसमें भी ऑप्शन है, अपन बार बार इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, देख सकते हो आप बंद चालू कर रहे हो, जो कि रात को बिल्कुल अच्छे चमकते हुए दिखता है। और अब जो भी मैं इसको इसकी पीछे वाली जो लाइट है इसको भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसकी फ़ोटो भी अगर मैं बनाऊँगा तो इमेज डाल दूँगा, ठीक है। तो कैसी थी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज मिलते हैं अब, रुको रुको रुको, एक क्वेश्चन है जो सारे न्यू बीज के उसमें रहता है, न्यू बीज यानी कि जो नए नए भी सीख रहे हैं, कि उनका सवाल रहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ से सॉकेट कनेक्ट है और स्विच बंद है अपना, तब भी बैटरी यूजेज होगा भाई? इसका जवाब है नहीं। सभी को लगता है कि यार बैटरी यूजेज तब भी हो रहा है, बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहता भाई। जब बैटरी का आपने कट ऑफ कर दिया, यहाँ से कट ऑफ ही कर दिया है, तो फिर क्या मतलब उसका सप्लाई का कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये था एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब छोटा था मुझे भी क्वेश्चन लगता था, अब मुझे नहीं लगता, तो ये इसका आंसर है। और जो भी मेरे छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि इसका कोई रिलेशन नहीं होता, अगर अपन ने इसे बंद कर दिया तो बैटरी का भी कोई सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, बाय बाय।